हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लर्न विद एटीमन। पूरे भारत में कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती के जितने भी विज्ञापन अभी तक जारी हुए हैं, सबसे ज्यादा विज्ञापन हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिले, उसके बाद झारखंड, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़ में जितनी वैकेंसी आई मेरे द्वारा आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताई गई है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस जरूर करें, तभी आप लोगों को जितने वीडियो बनते हैं उन वैकेंसी की सूचना समय पर मिल पाएगी। अभी कुछ दिनों पहले जो है मैंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान के वैकेंसी आप लोगों को बताई, बट आप लोगों को जो है वो समय पर सूचना नहीं मिल पाई और कुछ स्टूडेंट को वहाँ एप्लीकेशन भी करनी थी और वो डेट निकल गई। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल बटन को प्रेस जरूर करना है, तभी आप लोगों को समय पर उसकी सूचना मिल पाएगी। अभी जितने स्टूडेंट का सिलेक्शन कस्तूरबा विद्यालय या केंद्रीय विद्यालय में या भी वैकेंसी जो मेरे द्वारा आप लोगों को बताई जाती है वहां पर हुआ है, तो मेरे पास जो है वो कॉल मैसेज करने की बजाय यदि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि वहां पर आप लोगों का क्या डॉक्यूमेंट जो है वो लगा है, वहां पर जो है वो आप लोगों को किस तरीके से जो सुविधाएं जो है वो बताई गई हैं क्या आप लोगों को मिल रही हैं, तो आप जो है वो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट के अभी जॉब नहीं लगी है तो उनको जो है वो हेल्प मिल पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कस्तूरबा विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक और नया नोटिस जारी हुआ है जहां टीजीटी और पीजीटी की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी यहां पर आप लोगों को 22,000 मिलेगी। आवासीय विद्यालय है तो यहां पर आप लोगों को जो है वो रहना बिल्कुल फ्री है। खाना जो है वो किस तरीके से यहां पर जो है वो मिल रहा है ये मुझे नहीं पता है, जिनका सिलेक्शन हुआ है तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को किस तरीके का भोजन प्रोवाइड किया जा रहा है। कोई यहाँ आपकी परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर आप लोगों के डॉक्यूमेंट में जितनी मार्क्स हैं उसके आधार पर मेरिट निकलेगी और आपका सिलेक्शन होगा। तो वैकेंसी जो है कहाँ से आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर से वैकेंसी आई है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्लास 6 से 8 तक के लिए यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट की जो है वो वैकेंसी आई है। पूर्णकालिक शिक्षिका की यहाँ पर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विषय और हिंदी की जो है वैकेंसी आई है। गणित की यहाँ पर 11 पोस्ट है, विज्ञान के 8 है, अंग्रेजी के 5 है, SST के जो है 3 पोस्ट है और हिंदी की 8 पोस्ट है। ये जो है केवल गर्ल्स स्कूल होता है, यहाँ पर 12वीं तक जो है वो केवल लड़कियां ही पढ़ती हैं और यहाँ पर सिलेक्शन भी जो है यहाँ पर महिलाओं का ही होता है। यहाँ पर सैलरी जो है वो पूर्णकालिक शिक्षिका जितनी भी पोस्ट हैं सभी के लिए 22,000 मिलेगी। यहाँ क्लास 6 से 8 तक के लिए ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अंशकालिक शिक्षिका की यानी पार्ट टाइम के लिए भी वैकेंसी है। कंप्यूटर की यहाँ पर वैकेंसी है 4, कला क्राफ्ट संगीत गृह शिल्प की 3 है, फिजिकल एजुकेशन की 2 है और यहाँ पर जो है आप लोगों को सैलरी 9800 मिलेगी। लेखाकार को यहाँ सैलरी 11,000 मिल रही है, पोस्ट यहाँ पर है 5। मुख्य रसोईया, ये भी सब महिलाएं ही होंगी, चौकीदार ये भी महिलाएं हैं, तो 2 पोस्ट मुख्य रसोईया की और चौकीदार की 4 पोस्ट है। यहाँ पर जो है 6900 मुख्य रसोईया को और 5750 चौकीदार को मिल रही है। ठीक है, तो अभी जो है क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। 6 से 8 तक की कक्षा को पढ़ाने के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका यहाँ पर ग्रेजुएशन आपने जो है इन सब्जेक्ट में की हो, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं, साथ में बीएड और आपके पास कोई भी टेट, चाहे वो सी टेट हो या आपके राज्य का टेट हो, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर हर कैंडिडेट किसी भी जो है स्टेट की महिला जो है वो आवेदन कर सकती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर कंप्यूटर के लिए कहा गया है कि आपके पास जो है यहाँ पर बीएड कंप्यूटर में मांगा गया है, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए और साथ में जो है वो आपके पास बीएड जो है वो होना चाहिए। कला क्राफ्ट के लिए कहा है यहाँ पर कि आपके पास जो ग्रेजुएशन में जो है ये सब्जेक्ट हो और साथ में जो है यहाँ पर आपके पास बीएड या इसके समकक्ष LT प्रशिक्षण उपाधि हो। फिजिकल एजुकेशन के लिए जो यहाँ VPED, CPED, DPED, ठीक है, मांगा गया है। टेट जो है यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए अनिवार्य नहीं है। लेखाकार के लिए यहाँ पर कॉमर्स में या MS ऑफिस पर कार्य करना जो है वो आपको आना चाहिए और साथ में यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर शिक्षा में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए। उन्हीं अभ्यर्थियों को जो है यहाँ जो है वरीयता दी जाएगी जिनके पास अलग से जो है कंप्यूटर शिक्षा में कोई डिप्लोमा है। मुख्य रसोईया और चौकीदार के जो है यहाँ पर 8th क्लास पास होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर 9 से 12 तक के लिए सब्जेक्ट जो है वो एक मैथ है पूर्णकालिक शिक्षिका की और यहाँ पर सैलरी जो है वो वही 22,000 मिलेगी। 2 पोस्ट है यहाँ पर मैथ की।
सहायक रसोईया, चौकीदार और चपरासी की यहाँ पर 4, 2 और 2 यहाँ पर वैकेंसी है 9 से 12th तक के लिए। अनिवार्य योग्यता जो है वो वही मांगी गई है कि गणित में जो है वो आपने प्रशिक्षित स्नातक ग्रेजुएशन में गणित पढ़ा हो और उच्च स्तरीय, यानी कि आप लोगों के पास सीटेट पेपर 2 या आपके राज्य का जो है वो पेपर 2 जो कि 6 से 8 तक के लिए होता है वो आपने पास किया होना चाहिए। सबसे नीचे जो है यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप लोगों को जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से भर लेना है और आप लोगों को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो है वो करना है। सारी चीजें जो है बिल्कुल वही रहने वाली है जो कि अभी तक मैंने जितनी भी जो है वो वीडियो बनाए हैं तो वहां पर आप लोगों को डिटेल में सारी चीजें बताई हैं। तो ये जो वैकेंसी है ये समग्र शिक्षा के तहत जो है वो आई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर, ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो 28 अगस्त से पहले आप लोग एप्लीकेशन कर दें, यहाँ पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट ही करें तभी आप लोगों का जो है वो समय पर पहुंच पाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को भर लेना है। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र जो है रजिस्टर डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय महुआ बाग गाजीपुर, ये जो है वो आप लोगों का एड्रेस रहेगा। आपको पता है कि 1 वर्ष या शैक्षिक सत्र के लिए पहले आप लोगों को लगाया जाएगा, उसके बाद आपकी पोस्ट को जो है वो आगे ये बढ़ाते जाएंगे, रिन्यू करते जाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल जो है वो ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप लोग 1 साल तक जो है यहाँ वर्क करेंगे उसके बाद आप लोगों को हटा देंगे, ये आप लोगों को नहीं हटाएंगे। कई जो है शिक्षिकाएं अभी भी जो है यहाँ पर कई सालों से काम कर रही हैं। यदि आप लोगों को अच्छी जो है वो जॉब और मिल जाती है तो आप खुद ही जो है यहाँ से हटना पसंद करेंगे। तो आप लोगों को जो है वो गूगल पर सर्च करना है gazipur.nic.in, तो यहाँ पर आप लोगों को होम पेज पर जो है यहाँ नोटिस में नीचे आएंगे रिक्रूटमेंट आपको लिखा हुआ है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द वीकेंड पोस्ट ऑफ फुल टाइम टीचर या पार्ट टाइम टीचर, अकाउंटेंट एंड वॉचमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस इन कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल रन इन गाजीपुर। स्टार्टिंग जो डेट है वो 7 अगस्त है। तो कई वैकेंसी ऐसी होती हैं जिनकी सूचना जो है वो नहीं मिल पाती है मुझे भी, जैसे ही मिलती है मैं आप लोगों को बताती हूँ। एंडिंग डेट जो है वो 28/8/2023 है, तो इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है व्यू। तो आप लोगों के सामने ये नोटिफिकेशन पूरा आ गया है, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझा दी हैं। बाकी और भी चीजें जो है वो आप लोग जरूर पढ़ें तभी आप लोग एप्लीकेशन करें। तो यहाँ पर जो है वो केवल आपकी रजिस्टर पोस्ट करेंगे तो वही जो है वो आप लोगों के पैसे लगेंगे, बाकी एप्लीकेशन में कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो ये जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि आप लोगों को 7 पेजेस की PDF फाइल है, इसमें 7 पेज पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आगे जो है और भी जैसे ही वैकेंसी आती है तो चैनल पर जरूर मिलेगी आप लोगों को। थैंक यू।